नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है मैं हूं राजीव ऐसा लग रहा है कि 2019 के आम चुनाव में इस बार मुकाबला भाजपा बना महागठबंधन का होने वाला है हालांकि इस महागठबंधन में कौन से दल शामिल होंगे और किसकी क्या हैसियत रहेगी इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी लेकिन महागठबंधन बनाने का प्रयास तो चल ही रहा है बीच बीच में राहुल गांधी का जोश भी ऐसा नजर आता है कि मानो वे गठबंधन का नेता बनने के लिए तैयार हों कर्नाटक चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि उन्होंने खुद के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने की संभावनाओं को जता भी दिया था लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें ये सुख थाली में परोस मिलने वाला है अभी कई दिग्गज चुनौती देने के लिए उन्हें तैयार हैं जिनमें सबसे ऊपर ममता बनर्जी नजर आ रही हैं वे काफ़ी चतुराई और सलीके से अपने पत्ते खोल रही हैं एक ओर वे भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं तो दूसरी ओर दक्षिण से लेकर उत्तर तक अपने साथी तैयार कर रही हैं टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने जब गैर भाजपा गैर कांग्रेस मोर्चे का विचार रखा था तो सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही उन्हें समर्थन दिया था दूसरी तरफ ममता कांग्रेस के साथ बन रहे संभावित महागठबंधन में भी साथ आने को उत्सुक दिख रही हैं अभी दिल्ली में दो दिनों में उन्होंने शरद पवार सुप्रिया सुले यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल सभी से मुलाकात की संसद में लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया बीते दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि दीदी को दिल्ली ले आएंगे जिसका राजनीतिक मतलब यही निकलना निकलता है कि वे ममता बनर्जी को केंद्र की सत्ता में देखना चाहते हैं हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला और उमर उमर अब्दुल्ला दोनों ही राहुल गांधी को महागठबंधन की धुरी के तौर पर देखने की बात पहले कह चुके हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सहयोगी जनता दल एस के सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा ने भी राहुल गांधी में प्रधानमंत्री की संभावनाएं देखी है और इसका उन्होंने जिक्र भी किया है दूसरी ओर भाजपा इस संभावित महागठबंधन का यही कहकर मजाक उड़ाती रहती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा ये तय नहीं है 2004 में भी माहौल ऐसा ही था आप याद कीजिए कि जब भाजपा ये मानकर चल रही थी कि जीत उसकी होगी और लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास सोनिया गांधी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं था और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी कभी नहीं की थी बहरहाल तब भाजपा नीत एनडीए को हार देखनी पड़ी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने क्या इस बार भी वैसा ही कोई इतिहास दोहराया जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल इस बारे में कोई कयास लगाना कठिन है क्योंकि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव मायावती शरद पवार ये तमाम दिग्गज अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं उधर दक्षिण में चंद्रबाबू नायडू भी अलग मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं जो शायद आखिर में महागठबंधन का ही हिस्सा बने और अगर ऐसा हुआ तो वे भी शायद दावेदारों की सूची में शामिल हो जाए वैसे राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ममता बनर्जी भाजपा की गोलबंदी के लिए काफी चतुराई भरे कदम उठा रही हैं अगले साल 19 जनवरी को कोलकाता में एक बड़ी रैली करने वाली है ममता जिसका स्वरूप एंटी बीजेपी होगा अभी तक ये माना जा रहा है भाजपा विरोधी नेताओं से वे मुलाकात कर रही हैं और उन्हें रैली में आने का निमंत्रण दे रही हैं इस कवायद से ये नज़र आता है कि महागठबंधन का नेतृत्व करने की आकांक्षा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भीतर भी है हालांकि वे इस बारे में कुछ बोलने से अभी बच रही हैं ममता का कहना है कि इसे लेकर अनुमान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है लोग तय करेंगे कि कौन होगा महागठबंधन का चेहरा बहरहाल महागठबंधन का नेतृत्व भले अभी तय न हो लेकिन ये तो तय है कि ममता बनर्जी की दिल्ली आने की महत्वाकांक्षा सिर उठाने लगी है अब इस महत्वाकांक्षा का रूप आगे जाकर एंटी बीजेपी ही रहता है या एंटी कांग्रेस भी हो सकता है ये देखना दिलचस्प होगा वैसे भारत में गठबंधन की राजनीति में यह देखना भी कम रोचक नहीं है कि दिल्ली आने में दिल्ली आने के कितने दावेदार हैं जबकि इसका रास्ता क्या होगा यह तय नहीं है तो आज हमारी राय में बस इतना ही आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें देखते रहिए डीवी लाइक नमस्कार